हेलो स्टूडेंट्स क्लास सिक्सथ चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है एग्जामिनेशन स्टाइल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ सोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन फाइव ब्लेज इस पिक्टोग्राफ में फाइव ब्लेज है ए बी सी डी ई इनमें कितने ट्रैक्टर हैं वो यहाँ शो कर रखे हैं वन साइन जो ट्रैक्टर का बना है वो वन ट्रैक्टर को शो करता है तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स किस गांव में सबसे कम ट्रैक्टर हैं आप इसमें देख रहे हैं सबसे कम विलेज डी में हैं. इसमें है इसमें ओनली थ्री ट्रैक्टर्स हैं विलेज डी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न लेते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्टोग्राफ अकॉर्डिंग टू पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इसी क्वेश्चन में विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर किस गांव में सबसे अधिक ट्रैक्टर हैं? वो आप यहां देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर है वो है विलेज सी में सबसे ज्यादा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट्रैक्टर सबसे ज्यादा है तो ये वेज सी है विलेज सी कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब लेते हैं हम अगला प्रश्न प्रश्न नंबर थ्री इसमें देखिएगा इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है देखिएगा डाटा हैंडलिंग का ही ये चैप्टर है पूरा का पूरा क्वेश्चन थर्ड अकॉर्डिंग टू पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट में जो पिक्टोग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग बताना है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स व्लेज सी हैज एज कंपेयर टू व्लेज बी सी में बी से कितने ज्यादा हैं सी में बी से कितने ज़्यादा हैं तो आप फिर से आप चलिए उसी में सी में बी से कितने ज़्यादा हैं ये बताना है। हमने सी में देखिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और बी में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसमें एट है इसमें फाइव है एट माइनस फाइव कितना हो जाएगा थ्री तो थ्री देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है थ्री दे रखा है यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला लेते हैं हम द कलर्स ऑफ फ्रिज यहाँ यह देखिएगा अब हमें इसी इसी को देखना है पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखिएगा द कलर्स और फ्रिज प्रेफर्ड बाय पीपल लिविंग इन ए लोकलिटी आर गिवन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ इस पिक्टोग्राफ के द्वारा हमें बताना है इसमें जो ये वन साइन दिखा रखा है पीपल का ये टेन पीपल के बराबर है एक साइन टेन पीपल के बराबर है तो ब्लू में मान लीजिए कितने हैं ये टोटल इनको काउंट करेंगे हम टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी इस तरह से टेन इसको हम काउंट करेंगे टेन तो देखिए क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर इज ब्लू कलर को प्रेफर करने वाले कितने लोग है? हैं ब्लू कलर देखिए यहाँ तो ये टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो फिफ्टी कौन सा ऑप्शन है सी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला लेते हैं हम इसमें इन पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फोर इसी पिक्टोग्राफ में द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग रेड कलर इज रेड कलर ये है इसमें काउंट करेंगे ये टेन से ये टेन है टेन को शो कर रहा है तो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी तो सेवेंटी कौन सा ऑप्शन है डी डी इज द राइट आंसर अगला लेते हैं हम इसमें इन द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फोर इसी पिक्टोग्राफ में द लिस्ट कलर प्रेफर्ड इज कौन से कलर को ये फ्रिज के कलर हैं ये जो दिखा रखे हैं कौन से कलर को सबसे कम पसंद करते हैं लिस्ट सबसे कम तो सबसे कम जो है इस इसमें है तो ये टेन ट्वेंटी थर्टी तो इसमें कलर का नाम पूछा है वाइट आएगा तो वाइट कौन सा ऑप्शन है ए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फोर इसी पिक्टोग्राफ में जो ऊपर है हाउ मैनी पीपल प्रेफर ग्रीन कलर मोर एज कम्पेयर टू द वाइट ग्रीन और वाइट ग्रीन में कितने ज़्यादा हैं देखिए ग्रीन में है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और वाइट में है थर्टी तो ये कितने ज़्यादा हैं ये फोर्टी हैं ये थर्टी है टेन ज़्यादा है तो टेन कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें बी ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन बी अगला लेते हैं हम प्रश्न इसमें एक पिक्टोग्राफ दिया गया है इस पिक्टोग्राफ में हमें बताना है देखिएगा ध्यान से यह है पिक्टोग्राफ ध्यान से देखिएगा द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ सोज बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स हैं व्हीच आर कैप्ट इन ए लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी में रखे गए हैं तो ये सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री साइंस मैथ ये नंबर ऑफ बुक्स हैं इसमें ये जो दिखा रखा है ये बुक्स ये हंड्रेड बुक्स को शो करता है दर्शाता है ये हंड्रेड बुक्स को यानी ये वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड हम वन हंड्रेड से ऐसे काउंट करेंगे तो क्या पूछा है इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर देयर इन दिस लाइब्रेरी इस लाइब्रेरी में इंग्लिश के कितने बुक्स हैं तो इंग्लिश ये है काउंट करेंगे हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड एट हंड्रेड कौन से ऑप्शन में है सी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ऑप्शन जो है इसका राइट right आंसर है ये सी अब हम लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नाइन अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट क्वेश्चन एट में जो पिक्टोग्राफ है उसको देखकर बताना है टोटल नंबर ऑफ मैथ मैथ बुक्स आर मैथ्स के कितने बुक्स हैं टोटल हमें ये बताना है आइए देखते हैं हम इसी पिक्टोग्राफ में मैथ के देखिएगा ये है मैथ वन हंड्रेड टू हंड्रेड तो इसका टू हंड्रेड इसमें है तो आप देखिएगा इसमें टू हंड्रेड है कौन सा ऑप्शन आएगा डी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न क्या पूछा है इसमें ये देखिए अगला प्रश्न पूछा है अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट द बुक्स ऑफ विच सब्जेक्ट आर मिनिमम इन नंबर किस सब्जेक्ट में सबसे कम बुक्स हैं सब्जेक्ट में सबसे कम बुक्स हैं? तो देखते हैं इसमें हम किस सब्जेक्ट में सबसे कम बुक्स हैं तो आप यहां देख रहे हैं एक तो हिस्ट्री में है टू हंड्रेड और एक मैथ में टू हंड्रेड तो कौन से सब्जेक्ट आएंगे हिस्ट्री एंड मैथ हिस्ट्री एंड मैथ तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या पूछा है फिर से देखिए अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ क्वेश्चन एट द बुक्स ऑफ हुई सब्जेक्ट आर नहीं मिनिमम नहीं पूछा था मैक्सिमम पूछा था आर मैक्सिमम इन नंबर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हम फिर से देखते हैं इसमें मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट में है इंग्लिश में है वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा बुक्स हैं कौन सा ऑप्शन आएगा ए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न देखिए अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड मैथ्स आर हिस्ट्री और मैथ्स में टोटल कितनी बुक्स हैं हिस्ट्री और मैथ्स में देखते हैं इसमें हिस्ट्री में है टू हंड्रेड मैथ्स में टू हंड्रेड टू हंड्रेड और टू हंड्रेड कितने हो गए फोर हंड्रेड तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा अब लेते हैं हम अगला प्रश्न नंबर ट्वेल्व ट्वेल्व में क्या पूछा देखिए अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश मोर देन द साइंस बुक्स आर इंग्लिश में साइंस से कितने ज्यादा बुक्स हैं ये बताना है इंग्लिश में साइंस से कितने ज्यादा बुक्स हैं इंग्लिश में साइंस से देखिएगा इसमें इंग्लिश में ये इंग्लिश है और ये साइंस है साइंस में वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड और इंग्लिश में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट हंड्रेड और इसमें फोर हंड्रेड एट हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड तो आएगा आंसर फोर हंड्रेड इसका आंसर आएगा फोर हंड्रेड कौन सा ऑप्शन आएगा सी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर थर्टीन अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट विच सब्जेक्ट हैज फोर हंड्रेड बुक्स किस सब्जेक्ट में फोर हंड्रेड बुक्स हैं अभी अभी हमने देखा था साइंस में फोर हंड्रेड थे इंग्लिश में एट हंड्रेड थे ठीक है तो इस हिसाब से साइंस इसका डी ऑप्शन होना चाहिए देखते हैं बिल्कुल सही है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है ये अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन एट ए सब्जेक्ट हैविंग मोर देन थ्री हंड्रेड बुक्स वो सब्जेक्ट बताओ जिसमें थ्री हंड्रेड से ज़्यादा बुक्स हैं थ्री हंड्रेड से ज़्यादा बुक्स हैं तो हम देखते हैं थ्री हंड्रेड से ज़्यादा बुक्स कौन से सब्जेक्ट में हैं थ्री हंड्रेड से ज़्यादा देखो ये टू हंड्रेड है टू हंड्रेड है ये फोर हंड्रेड है ये फाइव हंड्रेड है तो हिस्ट्री और मैथ को छोड़ दो तो हिंदी इंग्लिश साइंस हिंदी इंग्लिश साइंस होना चाहिए इसका आंसर हिंदी इंग्लिश साइंस तो देखिए आप इसमें हिंदी इंग्लिश साइंस सभी गए तो ऑल द अबोब यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ इसमें पिक्टोग्राफ यहीं दिया हुआ है हमें बैक पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो आप देखिए यहाँ ये एक फ्रूट बास्केट है इसको ये दर्शाता है हंड्रेड बास्केट्स को इन ए विलेज सिक्स फ्रूट मर्चेंट्स ये फल विक्रेताओं के नाम हैं रहीम है लखनपाल है अनवर है मार्टिन है रंजीत सिंह है जोसेफ है नंबर ऑफ़ फ्रूट बास्केट ये 100, 200, 300, 400 क्योंकि ये एक जो चित्र है पिक फिचर है यहाँ ये यह हंड्रेड को दर्शाता है तो क्या क्वेश्चन पूछा देखिए विच फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स किस फल विक्रेता ने सबसे कम बास्केट है किसके पास सबसे कम फल बेचे सबसे कम आप देख रहे हो इसमें है वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ये फोर हंड्रेड और ये फोर एंड हाफ तो रहीम आएगा रहीम ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न नंबर सिक्सटीन सिक्सटीन में देखिए अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फिफ्टीन उसी पिक्टोग्राफ को देखना है फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट मैक्सिमम किसके पास है देखिएगा इसमें मैक्सिमम ये सबसे ज्यादा ये दिख रहे हैं मार्टिन क्या है मार्टिन तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे मार्टिन कहाँ पर है सी पर है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न लेते हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फिफ्टीन द नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय अनवर आर अनवर ने कितने फलों की टोकरियाँ बेची अनवर ने अनवर अब देखिए इसमें अनवर नाम अनवर ये है वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड तो इसमें आएगा अनवर का सेवन हंड्रेड कौन सा ऑप्शन है सी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर एटीन अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय रंजीत सिंह अब रंजीत सिंह ने कितने बेचे हैं तो रंजीत सिंह का हम देखते हैं इसमें देखिए रंजीत सिंह का ये रहा वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड तो रंजीत का आएगा इसमें एट हंड्रेड तो देखिए इसमें एट हंड्रेड ऑप्शन कहाँ पर है एट हंड्रेड है डी पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अगला प्रश्न देखिए फिर उसी के आधार पर चल रहा है अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन फिफ्टीन उसी पिक्टोग्राफ को देख के हमें आंसर बताना है द मर्चेंट हु हैव सोल्ड लेस देन फाइव हंड्रेड फ्रूट बास्केट इज हु हैव सोल्ड लेस देन फाइव हंड्रेड जिसने पाँच सौ से कम फलों की टोकरियाँ बेची हैं पाँच सौ से कम तो पाँच सौ से कम आप देखिए इसमें कौन सा आएगा वन टू थ्री फोर ये है एक तो रहीम है और वन टू थ्री फोर फाइव ये ज़्यादा हैं फाइव हंड्रेड फिफ्टी है एक ये है तो ये दो नाम आएंगे इसके साढ़े चार सौ हैं इसके चार सौ हैं रहीम एंड जोसेफ रहीम एंड जोसेफ रहीम एंड जोसेफ़ कहाँ लिखा है इसमें ए ऑप्शन में है तो आएगा ए इज़ द राइट आंसर अगला प्रश्न इसमें फिर इसी पर आधारित है अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ ऑफ क्वेश्चन fifteen, which फ्रूट मर्चेंट हैव सोल्ड six hundred और मोर नंबर ऑफ बास्केट उन फल विक्रेताओं के नाम बताने हैं जिन्होंने 600 सौ या छः सौ से ज़्यादा फल बेचे हैं तो छः सौ या छः सौ से ज्यादा वो संख्या हमें इस इसमें देखनी होगी छः सौ या छः सौ से ज़्यादा ये चार सौ है ये साढ़े पाँच सौ है तो एक तो अनवर आएगा एक मार्टिन आएगा और एक रंजीत आएगा जिनके छः सौ से ज़्यादा है अनवर मार्टिन रंजीत अनवर मार्टिन रंजीत ये आएंगे इसके तीन ऑप्शन अनवर मार्टिन और रंजीत तो तीनों होंगे तो इसका मतलब ऑल द वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब देखिए अगला प्रश्न इसमें यहां ये दिया हुआ है ऑब्जर्व दिस ग्राफ विच सोज द मार्क्स ऑप्टेंड बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन हाफ ईयरली एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम में अजीज ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो इसमें लिखे हैं तो इन विच सब्जेक्ट अजीज को मैक्सिमम मार्क्स मैक्सिमम किसने लिए हैं हिंदी में तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर तो इसमें आप थोड़ा सा इसको और देखिए अभी और ऑप्शन होंगे इसमें हम वो बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें क्या पूछा है देखिएगा इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द बारग्राफ ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी वन इन विच सब्जेक्ट अजीज कोड मिनिमम मार्क्स सबसे कम मार्क्स अजीज ने किस में लिए तो सबसे कम मार्क्स के लिए आप देख रहे हैं यहां इस पिक्टोग्राफ में सबसे कम हाइट जिसकी होगी वो सबसे कम होगा सोशल साइंस है क्या है सोशल साइंस सोशल साइंस इसमें देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में है वही इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला प्रश्न लेते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी वन उसी ग्राफ को देखना है द मार्क्स स्कोर्ड अजीज़ इन इंग्लिश आर इंग्लिश में कितने मार्क्स प्राप्त किए तो अब हम देखते हैं इंग्लिश में कितने मार्क्स प्राप्त किए इंग्लिश ये है आपका तो ये देखिए इसकी हाइट कहां तक जा रही है यहां सिक्सटी तो इसका आंसर आएगा सिक्सटी सिक्सटी आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब देखिए अगला प्रश्न अकॉर्डिंग टू द बारग्राफ ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी वन द सब्जेक्ट इन विच सेवेंटी मार्क्स स्कोर इज सेवेंटी मार्क्स किस सब्जेक्ट में प्राप्त किए तो इसके लिए देखिए सेवेंटी मार्क्स आप पहले इधर मार्क्स देखिए सेवेंटी फिर इस 70 के सीध में इधर देखिए कौन से हाइट आ रही है ये ये वाला है ये है मैथामेटिक्स कौन सा है मैथामेटिक्स तो हम यहाँ इसमें आंसर इसमें देखेंगे मैथामेटिक्स कहाँ पर है तो ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अब लेते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी वन द मार्क्स स्कोर्ड इन सोशल साइंस आर सोशल साइंस में कितने मार्क्स लिए हैं ये आप इसमें देखिएगा ये है सोशल साइंस ये सीध में देखिएगा आप इधर फोर्टी सोशल साइंस में फोर्टी मार्क्स लिए हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें है फोर्टी का ये है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग